सो हेलो एवरीवन, मैं नाम है एजेन वॉल्कर। आज हम लोग खेलने वाले अपना माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो आज के इस एपिसोड का प्लान ये है कि आज हम लोग बनाने वाले एक सर्कल सेल फार्म, जिससे मेरे को मिलेगा बहुत सारा, मतलब कि सर्कल सेल्स, जो कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है और बहुत ही सही चीज़ है। क्योंकि जब मोजैंग ने 1.17 में एक नया मैकेनिक लाया कि सर्कल अब डुप्लीकेट हो सकते, तो भाई उसे अब हम लोग सर्कल सेल फार्म बना सकते हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। सो चलो अब उसको जो बनाने का जितना भी सामान है उसको हम लोग पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो सर्कल सेल फार्म मैं बनाने वाला हूँ आज, उसका डिज़ाइन क्रेडिट जाता है सर्कल क्राफ्ट को, ठीक है। तो उनका वीडियो देख के मैं बना रहा हूँ और ये तुम्हारे सामने आ गया होगा मटेरियल का लिस्ट। तो चलो अब ये सारे के सारे मटेरियल्स को एक जगह पैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लगेगा बहुत सारा बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए मेरे पास है मेरा बहुत बड़ा सुपर स्मेल्टर। ये हम लोग आ चुके हैं सुपर स्मेल्टर में, और यहाँ पर मैंने बहुत सारा सुपर, ये क्या कहते हैं, स्मूथ स्टोन रखा था, तो इन सब को ले लेते हैं। तो इस फार्म को बनाने के लिए जितना भी स्मूथ स्टोन है अब सब आ चुका है। तो अब मेरे को लगेगा बहुत सारा ऑब्सीडियन, तो चलो अब हम लोग चलते हैं एंड। तो ये रहा हमारा एंड पोर्टल, और चलते हैं एंड में हम लोग, और हम लोग एंड में अब आ चुके हैं। और जितना भी यहाँ पर ऑब्सीडियन है अब उसको माइन कर लेते हैं, जितना भी हम लोग को रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों को जितना भी ऑब्सीडियन चाहिए था सबका सब अब मैंने माइन कर लिया है एंड से। और ये जो ऑब्सीडियन है इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले, मतलब कि इतना सारा ऑब्सीडियन बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट टाइम लगा है। और जितना भी लेफ्ट सामान है, जो भी रैंडम सामान लगता है रेडस्टोन का आइटम, वो सबका सब मैं कलेक्ट करके एकदम लास्ट में मिलता हूँ। तो हमारे पास जितना भी मटेरियल वाला जो सामान था वो सबका सब आ चुका है, बट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सामान नहीं है, जो कि है एक जिंदा सर्कल, जिसको कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो चलो अब हम लोग को एंड से एक जिंदा सर्कल को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। और ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग मेरा पुराना वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने एक पिगलिन ब्रूड को ट्रांसफ़र किया, जो कि सर्कल से भी ज़्यादा डेंजरस है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को मार्क करना है कि कहाँ पर हमारा जो सर्कल मॉब है वो ट्रांसफ़र होगा। तो हम लोग एक पिलर टाइप बना लेते हैं ऐसे, अपना जो एंड पोर्टल से ट्रांसफ़र करके सैंड और ग्रेवल को, क्योंकि ये सब एंटिटीज़ है तो ये लोग आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरा जो होम बेस है वहाँ पर एक पिलर बनना चाहिए, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को बताएगा कहाँ पर वो सर्कल मॉब ट्रांसफ़र होने वाला है। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने होम में। तो लेट्स सी, अब हम लोग आ तो चुके हैं एंड में, मतलब कि होम में आ चुके हैं। अब देखते हैं वो पिलर कहाँ पर लैंड हुआ है। तो वो जो पिलर है वो मेरे घर के एकदम बॉर्डर में गिरा है, और तुम लोग देख सकते हो कि वही सेम पैटर्न है जो मैंने एंड पोर्टल के ऊपर बनाया था, मतलब कि ग्रेवल सैंड वाला पैटर्न। तो हमारा जो सर्कल मॉब यहीं पर आने वाला है। और ये जो एंड पोर्टल का एक खासियत है कि जो सर्कल मॉब है वो सबसे ऊंचे वाले ब्लॉक में रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसी के ऊपर रहूँगा, इस पिलर के ऊपर जितना भी सबसे हाईएस्ट ब्लॉक होगा उसके ऊपर ही हमारा जो सर्कल मॉब है वो ट्रांसफ़र होगा। तो चलो अब एक ऊंचा सा एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं, जिससे हमारा जो सर्कल फार्म सर्कल मॉब है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे फार्म में। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब एक ब्रिज बना लेते हैं जो मेरे फार्म को कनेक्ट करेगा, और मैं आराम से सर्कल को ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। तो हमारा ये जो रेलवे ट्रैक जो ओवरवर्ल्ड के साइड में है वो अब रेडी हो चुका है। तो अब चलो हम लोग चलते हैं एंड में और वहाँ से एक सर्कल मॉब को लेके आते हैं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं एंड फारलैंड्स में और वहाँ से हम लोग एक सर्कल को टेलीपोर्ट करवाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं एंड के इस फारलैंड वाले एरिया में। तो तुम लोग को अब एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जहाँ पर एक रैंडम गेटवे और एक एंड सिटी बहुत ही ज़्यादा आसपास में है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को उसी कोऑर्डिनेट्स में जाना है। वो शायद एक गेटवे है, हाँ वो एक गेटवे है। नाइस, ओ वाओ भाई, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही आसपास में है। आई थिंक हमारा काम हो गया, हम लोग को उतना दूर ज़्यादा नहीं जाना हुआ। एटलीस्ट हम लोग अभी है 4000 ब्लॉक्स दूर है, वो शायद 6000 ब्लॉक्स दूर था वो जो एंड सिटी था। तो हम लोग को एक एंड सिटी मिल चुका है जो कि एक एंड गेटवे के बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलो अब जो रेलवे ट्रैक का सिस्टम है अब उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। तो अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो हद से ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जितना भी मेरे को जो रेलवे है वो मैं ले लेता हूँ, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस काम है। मैं अपना सारा का सारा आर्मर को उतारने वाला हूँ जो कि एंड में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मैं पीने वाला हूँ एक पोशन ऑफ इनविंसिबिलिटी, जिससे मेरे को सल्कर डिटेक्ट ना कर पाए।
तो इसलिए मैंने अपना सारा सारा आर्मर उतारा है। और अभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अभी एंडरमैन मेरे को 2 हिट कर सकते हैं, मतलब 2 हिट में काम ख़त्म मेरा। तो आई नीड टू बी लाइक सुपर अल्ट्रा फकिंग केयरफुल। और यह लेट्स सी अब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और अब लगता है कि सरकार मेरे को डिक्टेट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जो भी हमारा जो था काम, ये जो कोबल स्टोन पेस्ट करना, वो सब कर लेते हैं और रेलवे सिस्टम बना लेते हैं। तब ये जो रेलवे ट्रैक, अब इसको कंटिन्यू करके सीधा हम लोग जो एंड गेट पे उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो रेलवे ट्रैक है वो अब तैयार हो चुका है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। तो ये रहा हमारा एंड पोर्टल और ये रहा हमारे सल्कर्स, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलो, अब इन लोग को अब ट्रांसफ़र करते हैं। अगेन जो भी काम मैं करने वाला हूँ ये वापस डेंजरस होने वाला, क्योंकि मेरे को वापस अपना आर्मर को उतारना होगा। सो आर्मर कौन, इनविजिबिलिटी इन, एंड थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। एंड और यहाँ पे कुछ आर्मर पीसेस रख लेते हैं, जैसे कि अपना लेगिंग्स को रख लेते हैं सामने और हेलमेट को रख लेते हैं सामने, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और बो रॉकेट और इन्वेंटरी थोड़ा सा मैनेज कर लिया मैंने। और चलो अब हमारे सल्कर्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ लेट्स डू इट। सो सबसे पहले मेरे को इसमें पावर देना होगा। क्या डम आदमी हो यार मैं। हाँ, तो पावर आ चुका है एंड अब हम लोग सल्कर को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं तैयार हूँ। सो ये 1, 2 एंड 3। ओ ऑर्डर, हेलो, 1 मिनट आगे चल जा, चलना। अबे यार, आहा आहा, एरर हो गया क्या? मिस्ट मैंने कुछ गलती किया है। आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक। वो सल्कर मूव क्यों नहीं हो रहा है? तो ये रहा हमारा नया माइन कार्ट, और चलो भेजते हैं। ओ यस, ये मूव कर रहा है, वेरी नाइस। तो अब जल्दी से उस सल्कर को ट्रैक करते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। और ये तो हमारे जो सल्कर है वो मूव कर रहा है बहुत ही सही स्पीड में, और सब कुछ सही जा रहा है अभी तक। एंड लेट्स सी, लुको, मेरे को सबसे पहले हमारा शूज़ पहन लेते हैं, और अब ये सल्कर अपने आप चल जाएगा गेटवे में। तो चलो अभी सल्कर को भेज देते हैं। लो मिस्टर सल्कर, आप मेरे फार्म में आने वाले हो बहुत जल्द। अरे भाई, ये स्लो क्यों हो गया? नहीं, फास्ट हो गया, नाइस नाइस, कोई दिक्कत नहीं अब। अरे भाई, सूट करके क्या उखाड़ लोगे? तो अब ये चाहने वाला है फाइनली, और ये चला गया, नाइस। तो ये सलकर अब टेलीपोर्ट हो चुका है हमारे दूसरे साइड में। तो अब चलो हम लोग भी चलते हैं दूसरे साइड में। तो अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को बनना है सुपर क्विक, क्योंकि वो जो सलकर है वहाँ पर रेडी होगा मेरे को मारने के लिए, और मेरे को वहाँ से मतलब कि थोड़ा सा स्पीड में निकलना है। तो चलो हम लोग चलते हैं उस पार और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 1 मिनट, ओह हाँ, तो अब मेरे को उड़ जाना है यहाँ से, ठीक है, एंड वी विल बी गुड, एंड यस वी आर गुड। सो चलो अब ये जो सल्कर, अब इसको ट्रांसफर करने के लिए एक नया ट्रैक बनाते हैं। तो चलो अब सल्कर को हम लोग अपना ओवर वर्ल्ड में लाते हैं। 1 मिनट, आ जा आ जा आ जा सल्कर। अरे क्यों नहीं आ रहा है यार ये? 1 मिनट, मेरे को शायद और इनविजिबिलिटी पोशन लगेगा। तो चलो अब लेके आते हैं इनविजिबिलिटी पोशन। तब हम लोग को क्या करना है कि हमारा वापस सारा का सारा आर्मर को उतार लेना है और इनविजिबिलिटी पोशन पी लेते हैं, और जितना भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट है वो भी कर लेते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि लाइट्रा और रॉकेट्स को एक जगह रखते हैं, क्योंकि इन केस में वॉइड में गिरता हूँ तो ये मेरे को बचा लेंगे। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। सो चलो अब हम लोग सल्कर भैया को लेके आते हैं वापस। ये
तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है, एंड ब्लॉक रखने के बाद मेरे को यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद माइनकार्ट था मेरा यहाँ पर, और माइनकार्ट को ऐसे टच करवा देना है जिससे हमारा सल्कर अपने आप चल जाएगा। और जब हमारा सल्कर है आप जाने लगा है अपने आप, विच इज़ वेरी नाइस, एंड आई गेस ये अपने आप चल जाएगा अब आई गेस। हाँ सल्कर चला गया, ओ यस नाइस। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई वो अपने आप कैसे चला गया, तो यहाँ पर मैंने एक क्या कहता है एक्टिवेटेड रेल लगाया था, और उससे कोई भी आदमी टेलीपोर्ट हो जाएगा ओवरवर्ल्ड में। तो चलो हम लोग भी हो जाते हैं, एंड वी आर बैक एट होम। तो चलो अब जितना भी आर्मर है सबको पहन लेते हैं। तो प्लान के हिसाब से हमारा जो सल्कर है उसको होना चाहिए यहाँ पर, और यस वो अपने स्पॉट में ही खड़ा है। तो चलो अभी सल्कर को यहाँ पर लाते हैं, और इसको अपना जो माइन कार्ट में है उसको फंसा लेते हैं, एंड और यस अब ये हमारा सल्कर फुल्ली अंडर कंट्रोल आ चुका है। तो हमारा जो सल्कर को कैप्चर करने वाला काम था वो हो चुका है सक्सेसफुल। और तो अब हम लोग शांति से अब हम लोग अपना फार्म को बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अब सारा का सारा सामान आ चुका है इस फार्म को बनाने के लिए। सो चलो इस फार्म को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हमारा जो सल्कर प्लेसमेंट का जो चेम्बर है उसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, जिससे हमारा जो सल्कर फार्म है वो सल्कर्स को डुप्लीकेट कर सके। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सल्कर वर्ड बोल लिया मैंने, और चलो अब इस फार्म का जो मेन चेम्बर है उसको बनाते हैं। तो हमारा ये जो सल्कर का मिडिल वाला चेम्बर है वो अब हो चुका है रेडी। तो अब चलो जो हमारा जो सल्कर अब उसको इस चेम्बर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर खड़े होना है बस, और कुछ नहीं करना मेरे को। सो लेट मी ट्राई फर्स्ट टू स्टैंड ओवर हियर, एंड उसमें मेरे को एक रेडस्टोन का पावर देना है। हाँ तो मैं स्टैंड हो चुका हूँ, वेरी नाइस, एंड यहाँ पर मेरे को एक रेडस्टोन का पावर देना है, और बस नाउ अब ये सल्कर अपने आप चल जाएगा, वेरी नाइस। नहीं 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 यार रुका क्यों, नो ओ हाँ यार मेरा गलती है, वाई आई एम सो डम। हाँ तो वापस मेरे को उस माइनकार्ट के अंदर बैठना होगा। सो लेट मी जस्ट वेट फॉर द लेविटेशन इफेक्ट टू गो। तो इफेक्ट चला गया है, और मेरे को जल्दी से इस माइनकार्ट में जल्दी से बैठना होगा। भाई माइनकार्ट कहाँ गया, ओ शिट लगता है मेरे को दूसरा माइनकार्ट निकालना होगा। सो अगेन लेट मी वेट फॉर द लेविटेशन इफेक्ट टू गो। तो चलो एक और माइनकार्ट को भेजते हैं, शायद अब ये चल जाएगा। और अब यह हमारा जो सल्कर है वो अब जा रहा है, एंड यस ओ शिट ये कहाँ गिर गया, वक यार मेरे को लगता है वापस सारा का सारा मेरे को ट्रैक बनाना होगा। तो चलो अब वो जो नया ट्रैक है वो बना लेते हैं। तो हमारा ये जो नया ट्रैक है वो हो चुका है रेडी। तो चलो हम लोग अपना जो सल्कर मॉब है उसको भेजते हैं। तो हमारा ये जो सल्कर मॉब है अब जा रहा था, बट ये रुक गया, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो ये जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करते हैं, एंड यस अब इसको जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये माइनकार्ट चल 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 जा, अब ये मॉब शायद अपने आप चल जाएगा। वेट लेट मी वेयर माई लाइटर फर्स्ट, एंड एक मिनट क्या हो रहा है, ये बाहर क्यों खड़ा है, व्हाट द हेल, ये नहीं वो स्पॉट नहीं था उसका। एक मिनट यार मैंने गलती किया है, लेट मी वेयर माई बूट्स, एंड हाँ मैंने गलती किया है। सो इसको फिक्स करने के लिए एक ओ शिट नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड, एक मिनट मेरे को इस सिचुएशन को फिक्स करना होगा अच्छा से। अबे यार ये कहाँ आ गया शल्कर का बच्चा, वेट वेट मेरे को लगता है बहुत काम करना होगा इसको अपना स्पॉट में लाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक नया रेलवे ट्रैक बनाया,
और चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं अपना सल्कर मॉब को भेजने का। तो यहाँ से एक माइंड कार्ट निकालते हैं एंड लेट्स ट्राई। एंड प्लीज यार इस बार चल जा, रुक जाओ मेरे को एक और माइंड कार्ट लगेगा आई गेस। ओ नहीं, पावर ही नहीं दिया। लो भाई ऐसा काम करूँगा तो इसलिए माइंड कार्ट नहीं जाता है। एक मिनट, ये पावर क्यों नहीं आ रहा है इसमें यार, ये इतना अनॉइंग है ना ये चीज़ करना। लगता है कि मेरे को कुछ ऐसे करके ऐसे करना होगा। और एक मिनट मेरे पास लीवर है। नाइस नाइस नाइस। ए भगवान अब तू तू चल यार शलकर। एक अब तू चल जा यार प्लीज। ओ नहीं यार अगेन गलत जगह उसने टेलीपोर्ट मारा है भाई। ये शल्कर फार्म बनाना भाई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओ ओ स्पॉट में आ गया, वेरी नाइस। ओ माय गॉड ये शल्कर स्पॉट में आ गया अपना, और क्या चाहिए। वेरी नाइस। ओ माय गॉड लेट्स गो गाइस, अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस फार्म को बनाना फाइनली। हमारा ये जो चेम्बर है अब वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। तो चलो अब इसका जो नेदर पोर्टल का जो डिज़ाइन है, मैं डिज़ाइन नहीं यार स्क्वायर है, वो बना लेते हैं जिससे हमारा जो सल्कर है वो टेलीपोर्ट होगा आराम से। हमारा ये जो ओवर वर्ल्ड वाला जो सेक्शन था वो हो चुका है कंप्लीट। तो अब इसका जो नेदर का साइड में जो बिल्ड बनाना है, अब चलो अब उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि जो मेरा ब्लॉक का कोऑर्डिनेट्स है उसको रिकॉर्ड कर लेना है। फिर मेरे को करना है क्विक मैथ्स। ये जो कोऑर्डिनेट जो तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है यही कोऑर्डिनेट्स का अब हम लोग को जाना है नेदर में। ये जो हमारा सल्कर सेल फार्म है वो हो चुका है फुल्ली रेडी। तो अब चलो इसको एक बार स्विच ऑन कर देते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इसका स्विच में। तो ऐसे इसको स्विच ऑन करना है और ये अपने आप खुद को मारना चालू कर देगा आई गेस। ओ नीचे एक छेद आई गेस, हाँ मैं भूल गया नीचे एक छेद है, मेरे को उसको कवर करना होगा। वेट लेट मी डू इट। इस छेद को बंद कर देते हैं और अब हम लोग सही होंगे। यस सो हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी अब फिक्स हो चुका है। एंड यस हमारा ये जो फार्म है अब हो चुका है फुल्ली रेडी। तो चलो एक बार चलते हैं इसका कलेक्शन सिस्टम और देखते हैं कि ये मेरे को चलकर शल देता है कि नहीं। शिट ओ शिट ओ शिट, कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने शायद कम पावर रेट लगाया था इसलिए वो चलकर फंस चुका है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चलकर मेरे को मार रहे हैं। सो अब मेरे को इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ओह माय गॉड आई एम ऑलमोस्ट डाइंग। अरे यार कुछ तो गलती किया मैंने, लगता है कि मेरे को और थोड़ा सा पावर ड्रिल लगाना होगा इस फार्म को सही से काम करवाने के लिए। ओह नहीं, सही हो गया आई गेस, सही हो गया। लेट मी सी फ्रॉम हेयर। लगता है मैंने अभी उस माइंड कार्ट को पुश किया इसलिए शायद वो सही से चल रहा है। अरे भाई कुछ ज़्यादा ही तबाही हो रहा है यहाँ पर।
ओह माय गॉड, लगता है मैंने कुछ गलती किया है। लेट मी जस्ट पुश द माइनकार्ट अगेन। नहीं, ये अब शायद ढंग से काम कर रहा है। यस, ये ढंग से काम कर रहा है। एक मिनट, मेरे को ये सब सल्कर बुलेट्स को मारना होगा सबसे पहले। हाँ, तो हमारे जो फार्म है अब सही से काम कर रहा है फाइनली, एंड अब मैं चैन से यहाँ पर रह सकता हूँ। सो यस, हमारे फार्म अब काम कर रहा है एंड वी आर गुड टू गो। तो अगर तुम ये मेरा जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि तुम मेरा जो लावा मोन्यूमेंट मोंटाज है उसको देखो एक बार, अगर तुम एक न्यू व्यूअर हो तो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। और एक और अनाउंसमेंट मेरे को करना था कि अब एक और वीडियो के बाद मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट को चालू कर दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही एपिक होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सल्कर फार्म बनाया जिससे मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकूं। तो एक लास्ट वीडियो आएगा और उसके बाद मैं अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर दूंगा। सो सब्सक्राइब कर लो उसके लिए, और अब मैं तुमसे अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सो टिल देन, सी एवरीवन।